हे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित है। मैं हूँ आपकी होस्ट ऑफ द सनामिका और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ क्रिएटिव आयना। दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हो गई हूँ आपके सामने एक नेल आर्ट की ट्यूटोरियल लेकर, जो कि आप इस लॉकडाउन के पीरियड में घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में दिए गए बेल बटन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ उन सभी के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इस नेल आर्ट के लिए यूज़ किया है 5 एक्रेलिक कलर्स, ग्रीन, व्हाइट, ब्राउन, येलो और ऑरेंज, और एक व्हाइट नेल पॉलिश। पहले मैंने व्हाइट नेल पॉलिश को अप्लाई करके अच्छी तरह से सुखा लिया है, और उसके बाद मैं येलो एक्रेलिक कलर से ड्रॉ कर रही हूँ एक फ्लावर डिज़ाइन। फिर मैं बीच में ब्राउन कलर से डिज़ाइन कर रही हूँ और साइड में ऑरेंज से थोड़ा सा शेड कर रही हूँ। देखिए आप मैं कैसे कर रही हूँ। फिर मैं कुछ डॉट्स ड्रॉ कर रही हूँ ब्राउन के बीच में वाइट कलर से, और फिर ग्रीन कलर से स्टेम और लीव्स ड्रॉ कर लूँगी। देखिए आप मैं वीडियो में कैसे कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। और बस ये हो गया एक सुंदर सा सनफ्लावर नेल आर्ट तैयार। अभी इसी प्रोसेस को हम बाकी उंगलियों में भी रिपीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में दिए गए बेल बटन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ उन सभी के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। और हाँ दोस्तों, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, आप सभी लोग अपने घरों में ही रहिए, ज़रूरत ना पड़ने पर अपने घरों से बिल्कुल भी मत निकले। मैं हाज़िर हो जाऊंगी फिर से एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव।